गुजारा बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, काम नहीं लगता। बिल लख लख का बिल आ जाता है, तिना महीना का बिल नहीं तारा। किराए का मकान 1,35,000 आया है। रोड़ी कुट के किन्ना क कमा लेंगे? कोई नहीं, बस गुजारे होंगे, रोड़ी लभदी नहीं, नहीं तो कारोबार लभदा नहीं। लभे ना 500-600 भी लभे तो गुजारा होंगे, जो तो कारोबार ही नहीं होंगे फिर गुजारा मुश्किल ही होंगे। सानू इतने भी नहीं बैठ देंगे, या कोई इतों लगे बादशाह है तो बजा देंगे अड्डे चो। ख्वाहिशा तो बड़िया ने, कोई एक ख्वाहिश नहीं पूरी होंगी पी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शब्बे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो वक्त चल रहा है महंगाई के बहुत ही बुरे हालात है। जिनकी अच्छी खासी सैलरी थी, अच्छा खासा कमाते थे, वो हिल के रह गए हैं इस महंगाई के बाद। तो मज़दूर तबके की क्या हालत है, किस तरह से वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। आज हमारे साथ एक मज़दूर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद आज़म है। मोहम्मद आज़म, आज़म साहब कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 60 साल है जी। 60 साल के आप हो गए हैं, क्या करते हैं? मैं जी रोड़ी कुटना मजदूरी का। रोड़ी कुटते हैं, मजदूरी करते हैं मतलब। तो रहते किधर हैं? मैं ग्रीन टाउन में रहता हूँ। ग्रीन टाउन में रहते हैं। घर में कौन कौन है? घर में एक मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। घर अपने? नहीं जी, किराएदार। घर किराए पे है, मजदूरी करते हैं, किस तरह से गुजारा हो जाता है? गुजारा बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, काम नहीं लगता। बिल लख लख का बिल आ जाता है, तिना महीना का बिल नहीं तारा। किराए का मकान 1,35,000 आया है। फिर गवर्नमेंट मीटर भी नहीं पट लगी, हाली भी खला है। रोड़ी कुट के किन्ना क कमा लेंगे? कोई नहीं, बस गुजारे होंगे, रोड़ी लभदी नहीं, नहीं तो कारोबार लभदा नहीं। लभे ना 500-600 भी लभे तो गुजारा होंगे, जो तो कारोबार ही नहीं होंगे फिर गुजारा मुश्किल ही होंगे। कभी इंज होया हो, सवेर न आए हो, रात को इंज उठ के चली हो, कोई कमाई ये रोजाना तो ही होंगे काम। थोड़िया ख्वाहिशा भी होनगियाँ, कुछ सोचिया होगा मैं करना है वो करना है कि? ख्वाहिशा तो बड़िया ने, कोई एक ख्वाहिश नहीं पूरी होंगी पी। एक ख्वाहिश दसो। ख्वाहिश तो यही है भी जो मकान बन जाए, किराए तो ही जान छुट जाए, मरला एक जमीन का नहीं लै सकते। साड़ी ख्वाहिश ये सब तो वड्डी भी किराए तो जान छुट जाए। किन्ने साल तो मजदूरी कर रहे? मैं 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए, तो कभी यहोजा टाइम आया हो बीमार हो गए हो तो मजदूरी ना कर सके हो? नहीं, शुक्र है अल्लाह ताला ताला तंदुरुस्ती आने देता, बीमारी नहीं आई। घर वाले खुश ने थोड़े नाल? जो मजदूरी पैसा ही नहीं लभना, पैसे ना खुशी होंगी, रोजाना दड़ाइया ही ने। खुशी तो होंगी है, खुशहाली हो जो तो खुशहाली नहीं तो घर च लड़ाइया ही होंगे ने। लगता है कि बनेगा हालात का? हालात बहुत खराब ने जी, मुल्क है ना बादशाह ये आवाम के बारे कुछ भी नहीं कर रहे, अपनिया जेबें ही भर रहे हैं, अपनिया जेबें। महंगाई कड़ी जा रहे, कड़ी जा रहे दिन बना चढ़ी गए। 4,000 तो गंदम ना रेट हो गया, गरीब कितों खावे? ये चौकर खाते पे, चौकर 3-4,000 चौकर है। आज़म साहब क्योंकि तो मजदूर तबके हो, तो बहुता पता होगा महंगाई जे वेखीए नवाज शरीफ के दौर च बहुते ही इमरान खान दे या हूँ जरा परवेजला ही वजीर अला आ गया ये दौर। नहीं नहीं, नवाज शरीफ के दौर च महंगाई नहीं सी, ये इमरान खान के दौर च आई है महंगाई। नवाज शरीफ के दौर च महंगाई नहीं, ना तेल ना किसी शह महंगाई का पता ही नहीं सी लोगों को, हूँ तो महंगाई समाना तो चढ़ी खड़ी है। हफ्ता डेढ़ लंघदा है, रोड बंद कर देंगे, ताडे कारोबार फिर बंद हो जाते हैं। सानू इतने भी नहीं बैठ देंगे, या कोई इतों लगे बादशाह है तो बजा देंगे अड्डे चो। सियासतदानों के बाप की जगीर है ये मुल्क, सियासतदानों के बाप की जगीर है ये फुटपाथ, यहाँ मजदूर अपनी दिहाड़ी के लिए नहीं बैठ सकते? हाँ नहीं बैठ सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लुट लुट के खाते ने आवाम का, सोचते नहीं आखिर से उन्होंने कोई पैगाम दे दौ? पैगाम बस हम मुल्क के बारे बेहतर सोचन, आवाम है बहुत हाल मंद है, वेख लो कि दुनिया बैठी है, राती 9-10 बजे तक मजदूर बैठे रहते हैं, भी कोई गड्डी वाला तावन करे दा, कोई दे जाते ने पैसे या राशन रूशन, तो कई आप तंग होंगे इतने कितने देवन, कई साहब बेचारे तावन कर जाते हैं मजदूर नाल, हूँ एडा महंगा तेल कई इतने तेल मुक जाता है, मजदूर कितों देवन, तो कई रोटियां पानी खवा जाते हैं इतने मजदूर की खिदमत कर जाते। अल्लाह की जात ही है जिड़ते चले फिर नहीं तो रहा कुछ नहीं। नहीं इतने बादशाह कोई नहीं है जा भी जरा आवाम के बारे सोचे, इमरान खान इस गलों जितया खड़ा भी जरा मुल्क के बेचता बैठा है। बेचना हों भी गया? हाँ जी बेचना हों, बेड़ा गर्क सी
इनू आवाम इस वजह तो चाहती पी है जरा इतने बिच बैठा भावें जा नहीं सकता एक ही गल है। नाज़रीन आज़म साहब की कहानी आपके सामने रखने का मकसद महज इतना था कि हुकूमत वक्त को और जो अहकाम वाले हैं जो विमानों में बैठे हैं पॉलिसीज़ बनाते हैं महंगाई करी जा रहे हैं बजट बनाते हैं उन्हें थोड़ा सा झंझोड़ना था कि ये जो निचला तबका है जो मजदूरी करता है कमाता है इन सुबह ये भी नहीं मालूम होता कि आज हमने जाना है हमें कुछ मिलना है कि नहीं मिलना या खाली हाथ हम वापस आ जाएंगे हम रात को खाना भी खाएंगे दो वक्त का या नहीं खाएंगे। इनकी आवाज़ बन के हुकूमत को झंझोड़ना था कि कुछ शर्म करें कुछ हया करें इस मज़दूर तबके के लिए कुछ करें। इन्हें आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? इन्हें आप ये रिलीफ दे रहे हैं कि आप टैक्स भारी टैक्स लगा रहे हैं। इन्हें आप ये रिलीफ दे रहे हैं खाने पीने की अशिया महंगी कर रहे हैं। इन्हें आप ये रिलीफ दे रहे हैं कि हर चीज़ आप महंगी करी जा रहे हैं और जब आपके प्रोटोकॉल ने गुजरना हो तो ये दिहाड़ी भी नहीं कमा सकते। इधर से इन्हें उठा दिया जाता है भगा दिया जाता है। ये फुटपाथ ये जो भी है रोड है ये हमारे टैक्स के पैसों से बना है ये इनके टैक्स के पैसों से बना है। आपके बाप की जगीर नहीं है आप कोई ख़ानदानी यहाँ लेके नहीं आए जहाँ से आप गुजरेंगे और आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा। इंशाल्लाह एक और स्टोरी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेहरबान जुबैर शबीर की इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।